सोलन में पिछले कल सलोगड़ा के समीप एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें दुर्भाग्यवश एक महिला की जान चली गई थी और करीबन 22 यात्री घायल हुए थे। अधिकांश यात्री बेहद भाग्यशाली रहे और उन्हें ज्यादा चोटें नहीं आई, लेकिन कुछ यात्री गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनमें से दो को IGMC रेफर कर दिया गया है और कुछ को सोलन अस्पताल में ही उपचार दिया जा रहा है। घायल व्यक्तियों का कुशलक्षेम जानने के लिए स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल पहुँचे और घायल यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और ना ही उनके इलाज में कोई कमी रह जाए, इसके लिए उपस्थित चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि उन्हें बेहद दुख है कि दुर्घटना में एक महिला की जान चली गई है। उनके परिवार को ये दुख सहने की क्षमता दे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। उन्होंने कहा कि वे पिछले कल सोलन में नहीं थे, इसलिए वे हॉस्पिटल नहीं आ पाए, इसलिए वे घायलों का कुशलक्षेम जानने पहुंचे हैं। उन्होंने मीडिया द्वारा कोरोना संक्रमण को लेकर पूछे गए सवाल पर बताया कि हिमाचल में कोरोना संक्रमण के टेस्ट किए जा रहे हैं और सुखद बात यह है अब संक्रमितों की संख्या कम होती जा रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोरोना के प्रति सजगता ना रखें, क्योंकि जब तक इसकी दवाई नहीं आती है तब तक कोई ढिलाई नहीं हो सकती। उन्होंने सभी शहरवासियों को जागरूक रहने का आह्वान भी किया। कल क्योंकि मैं प्रवास पर था, इसलिए यहाँ से दूर होने के कारण मैं यहाँ नहीं आ पाया था, इसलिए घायल रोगियों के जो यहाँ उपचाराधीन हैं उनका हालचाल जानने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। और उसके साथ साथ थोड़ा हॉस्पिटल की व्यवस्थाएँ जो हैं उसको भी जांचेंगे और बात करेंगे कि क्या क्या दिक्कतें जो हैं यहाँ इस अस्पताल में जो हैं वो आ रही हैं। तो आज का दौरा तो जो है वो विशेष तौर से ये जो एक्सीडेंट हुआ दुर्घटना हुआ उसमें जो घायल हुए उनका कुशल क्षेम जानने के लिए हम गए। टेस्ट तो कम नहीं हुए हैं, टेस्ट की संख्या जो है वो तकरीबन उतनी ही जो है बरकरार है। एक समय में तो 4000 से ऊपर टेस्ट जो है यहाँ पर हमने किए हैं और टेस्ट की संख्या जो है आगे भी हम बढ़ाने का विचार हम कर रहे हैं। नंबर ऑफ केसेज जो है वो ड्रास्टिकली ड्रॉप हुए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो है अभी चुनौती से जो है हम उभर नहीं पाए हैं और अभी मालूम नहीं है कितने लंबे समय तक जो है कोविड से जो है हमारे देश को और प्रदेश को जूझना होगा। इसमें जो है मैं ये कहना चाहता हूँ, निवेदन भी करना चाहता हूँ आपके माध्यम से जनता से, कि अभी कोई उपचार ना होने के कारण इसका उपचार जो है वो तीन ही जो हम बार बार जिन तीन नियमों के लिए हम आग्रह कर रहे हैं उसमें मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और सोप सैनिटाइजर के माध्यम से हैंड हाइजीन को प्रमोट करना और उसको मेंटेन करना, यही बचाव है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसकी वैक्सीन आएगी और जब आएगी तो फिर इसका स्थायी समाधान तो वही है, लेकिन जब तक वो नहीं है तब तक केसेस को जो है कि इन्फेक्शन आगे ना हो, इन्फेक्टेड केसेस जो है कम रिपोर्ट हो, तो उसके लिए तीन उपाय जो हैं बहुत कारगर है। और अगर 100% इसका इस्तेमाल होता है तो रिपोर्ट होने वाले जो केसेस की संख्या है वो जीरो भी हो सकती है।